और इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 285.09 पर बंद हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 18.98 इजाफा हुआ है और एक ही दिन में डॉलर की कीमत में दूसरा तारीखी इजाफा हुआ है। हारिस जमीर हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस जमीर बताएगा वजूहात क्या हैं। आज तो इसहाकडार ने भी कहा कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो तय पा जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर की कीमत में इतना बड़ा इजाफा। माफी के साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर है पिछले एक माह से ही कह रहे हैं कि इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक जो है वो मुज़ाकरात हो जाएंगे, मतलब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो जरूरत है वो हमारी डेली बेसिस पे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का गैप ज्यादा है। कल भी जो एक्सपोर्ट्स के नंबर आए उसमें तकरीबन 19% का डिक्लाइन हुआ है जुलाई टू फरवरी के महीने में। तो हमारे पास डॉलर की फरावानी कम है, फ्लो कम है, इसकी वजह से इजाफा हुआ है और एक दो दिन और लगता है कि डॉलर जो है वो मजीद बढ़ेगा। और जो ओपन मार्केट का रेट है वो तकरीबन 290-295 रेट आ रहा है, लेकिन एक्सचेंज कंपनी दे रही है। मेन वजह ये कि ताकीद है, प्लस इसके साथ साथ जो मूडीज की रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया कि IMF से डील हो भी जाती है फिर भी हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि तकरीबन हमें $11 बिलियन की जरूरत है टिल जून 2023। तो हारिस जमीर, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहले भी बताया था कि तकरीबन $11 बिलियन की ज़रूरत है हमें जून तक। हमारे पास अपने पास पैसे नहीं हैं, मुल्क में अपने ज़र मुबादला ज़खायर नहीं हैं, तो ये हम लोगों ने पे किस तरह से करने हैं, कैसे चलेगा ये अगला टाइम? कैसे चलेगा तो बहुत मुश्किल काम है। हमें फिर सपोर्ट लेनी पड़ेगी मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। पहले ये होता था कि कंट्रीज़ जो थी वो हमें IMF से जैसी माहिदा बातचीत करना शुरू करते थे हमें वहाँ से सपोर्ट आ जाती, लेकिन अब यह है कि वो ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो हमें IMF के जो एग्रीमेंट होगा उसके बाद जो है वो फैसला होगा कि हमें कहाँ तक मिलेगा। पाइपलाइन में काफ़ी सारे अमाउंट है, $3 बिलियन चाइना से हैं, $2 बिलियन सऊदी अरब से हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन इसको मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लगता यह है कि आने वाले वक्त में मजीद रुपया कमज़ोर होगा और इससे महंगाई जो है मजीद इजाफा होगा तेज़ी से। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस जमीर, आप हमारे साथ मौजूद हैं।